2 इक्वल के बाद वाला ये हमारा प्रोडक्ट होता है, ठीक है, टेबल में। तो ये जो तमाम प्रोडक्ट्स हैं ये इवन नंबर हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं द 3 टाइम्स टेबल, एडिंग 5 टाइम्स वी गेट 15 एंड वी से 5 टाइम्स आर 15, ठीक है, 5 3s are 15। अगर हम मतलब रिपीटेड एडिशन ऑफ 3 की बात करें, यहाँ पे तो ये एग्जांपल दे रहे हैं इस वाले मतलब पैराग्राफ की, एज 3 + 3 + 3 + 3 = 3, मतलब 3 को 5 टाइम्स ऐड करें तो 15 आता है। लेकिन अगर मल्टीप्लाई में अगर हम 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तब भी 15 आता है। वी कैन वर्क आउट द 3 टाइम्स टेबल इन द सेम वे, बिल्कुल सेम वे जैसे कि हमने 2 में किया, 1 में किया, 0 में किया, इसी तरह हमने 3 में भी करना है। इसको रिपीटेड एडिशन में देखेंगे कि 3 को हम जितनी बार भी ऐड करेंगे वो एक नंबर जितना बढ़ाएंगे वो नंबर आगे बढ़ते जाएंगे, मतलब 3 = 3, 3 + 3 = 6, 3 + 3 + 3 = 9। इसी तरह अगर हम मल्टीपल्स ऑफ 3 की फॉर्म देखें, लेकिन इसमें स्टार्ट में हम दूसरे नंबर्स लिखें 1 to 10, ठीक है, 1 3 is 3, 1 3 is 6, 3 3 is 9, 4 3 is 12, 5 3 is 15, इसी तरह सो ऑन। इस तरह ग्रिड फॉर्म भी बताई हुई है 3 के लिए, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, इसी तरह जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12। और स्टूडेंट्स लिखना कैसे है टेबल आपने इस तरह इस फॉर्म में, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27, 3 10s are 30। तो ये स्टूडेंट्स इसको रीड इस तरह करना है जैसे यहाँ पे आप देखें रिटर्न किया हुआ है। उसके बाद आप आ जाएं पेज नंबर 116 पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दी 4 टाइम्स ऑफ टेबल को डिस्कस करेंगे हम। यू हैव लर्न द टेबल्स ऑफ 2 एंड 3।